Hello students, we will study about the chapter of English text. Chapter number 1, Solitude, means Ekant. So let's start the new poem. Laugh and the world laughs with you. Weep and you weep alone. Father said, old earth must borrow its mirth, but has trouble enough of its own. Sing and the hills will answer. Sigh, it is lost on the air. The echoes bound to a joyful sound but shrink from voicing care. आपको इस पोएम में बताया हुआ है कि जब हम हंसते हैं तो पूरा संसार हमारे साथ हंसता है, लेकिन जब हम रोते हैं तो हमें अकेले ही रोना पड़ता है। और इसमें धरती को बहुत ही पुराने समय का कहा गया है कि जो हमारी पुरानी उदास धरती है वो कुछ खुशियाँ मांगती है, मिर्थ यानी खुशियाँ, ठीक है, तो वो कुछ खुशियाँ मांगती है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो कोई भी अपनी खुशियाँ देने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, जब आप कोई गाना गाते हैं पहाड़ियों में, कुछ भी बोलते हैं या फिर कोई भी बात कहते हैं या गाना गाते हैं, तो आपकी आवाज़ गूंजती है और लौट कर फिर आपके पास आती है और धीरे धीरे वो आवाज़ जो है खो जाती है। तो इस तरीके की जो गूंजने की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा हमें खुशी देती है, लेकिन धीरे धीरे वो श्रिंक हो जाती है, वो जो आवाज़ है धीरे धीरे सुकड़ने लगती है और ख़त्म हो जाती है। रिजॉइस एंड मैन विल सिक यू, ग्रीव एंड दे टर्न एंड गो, दे वॉन्ट फुल मेजर्स ऑफ ऑल योर प्लेजर, बट दे डू नॉट नीड योर वो, बी ग्लैड एंड योर फ्रेंड्स आर मैनी, be sad and you lose them all, there are none to decline your nectared wine, but alone you must drink life's gall. अब यहाँ पर बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग खुश होते हैं तो लोग आपके पास बैठते हैं, खुश होते हैं आपकी खुशी में, लेकिन जब हमें दुख होता है तो वही लोग हमसे मुंह मोड़ लेते हैं, ठीक है, मुड़ जाते हैं। तो जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मांगती है, लाइफ को खुशियाँ चाहिए, बहुत खुशियाँ चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हमेशा खुशियाँ रहें, ठीक है, लेकिन कोई भी, सब लोग दूसरों की खुशी में शामिल होना चाहते हैं। जब हमारे पास खुशी होती है तो सब लोग चाहते हैं कि भाई हमें भी उसमें शामिल किया जाए, ठीक है, लेकिन जब हमें कोई दुख होता है तो वही लोग हमारे दुखों को शेयर करने से इनकार कर देते, उन्हें बिल्कुल भी दुख नहीं चाहिए हमारे, क्योंकि बी ग्लैड एंड योर फ्रेंड आर मैनी, जब हम खुश होते हैं तो आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन जब हम उदास होते हैं तो वही दोस्तों को हम खो देते हैं। देयर आर नन टू डिक्लाइन योर नेक्टेड वाइन, कोई भी आपकी ज़िंदगी का कड़वा घूट नहीं पीना चाहता, ठीक है, बट अलोन यू मस्ट ड्रिंक लाइफ्स गॉल, लेकिन आपको ही इस कड़वाहट को पीना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं आपकी पास में खुशियां हैं तो कोई इनकार नहीं करेगा उन स्वीटेस्ट खुशियों को लेने से, लेकिन जो लाइफ का कड़वा घूट है वो आपको लाइफ में अकेले ही पीना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेक्टेड का मतलब होता है स्वीटेंड यानी मीठा, और यहाँ पर जो गॉल का मीनिंग है वो है बिटरनेस यानी कि कड़वा। फीस्ट एंड योर हॉल्स आर क्राउडेड, फास्ट एंड द वर्ल्ड गोज़ बाय, succeed and give and it helps your life, but no man can help you die, there is room in the halls of pleasure for a large and loudly train, but one by one we must all file on through the narrow aisles of pain. यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जब हमारे यहाँ पर कोई भी दावत होती है तो हमारा पूरा हॉल जो है वो भीड़ से कवर्ड हो जाता है, बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है वहाँ पर, लेकिन अगर वहीं उनको ये बोल दिया जाता है कि आपको फास्ट रखना है तो वहीं आए हुए सभी लोग वापस चले जाते हैं। तो जीवन में हमें सफलता, अगर हम सफलता पाना चाहते हैं तो एक सफल जीवन के लिए और देना जो हम कि दूसरों को देते रहें, ये सब चीज़ें जो है हमें ज़िंदा रहने में मदद करती है, आगे बढ़ने में मदद करती है। बट अगर कोई भी मैन आपकी हेल्प नहीं करेगा, कि आप अगर मर रहे हैं तो आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा कोई इंसान, ठीक है, आपको खुद से ही मरना पड़ेगा, यानी कि जीवन के दुखों को आपको खुद ही भोगना पड़ेगा। अब वहाँ पर एक खुशियों का रूम है
जो पूरा हॉल जो है खुशियों से भरा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल एक ट्रेन के समान, जैसे कि एक बहुत बड़ी सी लार्ज ट्रेन होती है जो बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर चलती है और अलग अलग स्टेशंस पर उनको उतार देती है, यानी अलग अलग मंजिल होती है। एक ही ट्रेन में सवार बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन उनकी मंजिल अलग अलग होती है और वो उधर उतर जाते हैं अपनी मंजिल पर वन बाय वन करके, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें जैसे कि जीवन में सुख आता है तो दुख भी आता है, ठीक है, तो उन दुखों को किसी भी तरीके से फेस कर कर हमें उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा दुखों का जो रास्ता होता है वो बहुत ज़्यादा संकरा होता है, नैरो मीन्स संकरा यानी कि कंजस्टेड, ठीक है, तो काफ़ी पतला रास्ता होता है और उसमें से हमें कैसे उन दुखों को हरा कर आगे पार निकल जाना है तो ये हम पर डिपेंड करता है। आई होप कि आपको पोएम समझ आई होगी। थैंक यू।